सदर विधायक अदिति सिंह पहले कांग्रेस में अपना पूरा कारभार देख रही थी, 4.5 साल बीत गए हैं, अचानक उन्होंने भाजपा में ज्वाइन किया। उसी पर कुछ लोगों से हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस में क्या प्रभाव पड़ेगा अदिति सिंह के जाने से, और भाजपा में आने से कितना विकास वो कर पाएंगे आने वाले वक्त के लिए, और क्या प्रभाव देखेगा भाजपा में। आइए चर्चा करते हैं कुछ। पहले हमारे साथ पंडित जी हैं, चर्चा करते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि भाजपा में अदिति सिंह गई हैं, कल ज्वाइन किया है, पहले कांग्रेस में रही थी, क्या देख रहे हैं अब अदिति सिंह के जाने से भाजपा में? भाजपा के जाने से इनका वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन कांग्रेस भी अपनी जगह सही थी, और ये जो है मतलब इनके तो भाई बड़े आदमी अपना अपना चाहे जब दल बदलें चाहे जब वो करें, लेकिन जनता तो एक ही तरफ रह जाती है। इससे है कि इनका अपना पर्सनल वर्चस्व बढ़ेगा। विकास कितना किया है अदिति सिंह ने अभी तक जो अपने कार्यकाल में कांग्रेस में? विकास तो भाई कोनो विशेष नहीं दिखाई पड़ रहा। सर विधायक अभी हाल ही में पहले कांग्रेस पार्टी में थी, अब भाजपा में गई हैं, वोट बैंक पे क्या असर दिखाई देगा? कांग्रेस में क्या असर दिखा और भाजपा में आने से क्या फर्क पड़ेगा? भाजपा का जो बेस वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, और जो उनका पर्सनल वोट बैंक है वो उनके फेवर में है ही, तो इसलिए प्लस पॉइंट है ये। कांग्रेस में रहने से उन्होंने कितना विकास किया, ज़्यादा प्रभाव भाजपा में देख रहे हैं कि कांग्रेस में रहकर उन्होंने? सत्ता पक्ष भाजपा है तो उनको विकास का मुद्दा तो इसी पक्ष में है, इसीलिए उन्होंने पार्टी चेंज की। सदर विधायक जो थी वो पहले कांग्रेस में थी, अब भाजपा में गई हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कांग्रेस में कोई असर दिखाई देगा उनके जाने से, और भाजपा में आने से क्या प्रभाव देख रहे हैं आप? प्रभाव यही देख रहे हैं कि जो है अभी जो है कांग्रेस में रही, हाँ, और अब भाजपा में जा रही, जब कांग्रेस में विकास नहीं हुआ तो भाजपा में क्या करेंगी। रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह कांग्रेस में थी, अब वो बीजेपी में आई हैं, क्या देख रहे हैं आपको कांग्रेस में क्या असर होगा उनके जाने से, अब भाजपा में आने से क्या प्रभाव देखेंगे? जाने आने से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी का व्यक्तिगत जनाधार है, और कांग्रेस का जनाधार रायबरेली में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसा कि आप पिछले काफ़ी टाइम से देखते आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष फर्क कांग्रेस पे पड़ेगा जी। सिंह पहले कांग्रेस में थी, आप भाजपा में आ गई हैं, क्या प्रभाव देख रहे हैं इनके आने से? प्रभाव क्या, उम्मीद तो है कि हाँ जीतना इन्हीं को है भाई, टिकट इनको मिला है तो ये तो जीतेंगे, 100% जीतेंगे, चाहे ये कांग्रेस से खड़ी हों या भाजपा से खड़ी हों, जीतना इन्हीं को है, इनके अलावा कोई नहीं जीत पाएगा, उम्मीद पूरी है कि अदिति सिंह ही जीतेंगी। विकास पहले कांग्रेस में रहकर कितना किया इन्होंने? विकास तो जब से पहली बार विधायक बनी है, और उसके पहले जो है विधायकी थी सब करते थे, मगर जब से ये बनी जब तक अभी कोई काम जब से ये बनी जब तक कोई काम नहीं हुआ हमको लग रहा है। तो आगे कैसे सोच रहे हैं कि ये विकास होगा? अब शायद ये है कि इनके हाथ में भाई पहला चांस इनका था, इनको शायद नॉलेज ना हो या कोई इनको नॉलेज ना हो या कोई ऐसी दिक्कतें हों, शायद अब की बार ये विधायक बन जाए उसके बाद ये काम करें तो ऐसा हो सकता है। भाजपा की इसलिए प्रभाव तो पड़ेगा ही, हर क्षेत्र में विकास मिलेगा, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी रायबरेली की, क्योंकि सरकार है सत्ता में बीजेपी की, और कांग्रेस की नीतियां जो आती भी थी कोई वो आते भी थे उसमें इनका कुछ हो नहीं पाता था, कुछ कर नहीं पाते थे, ऊपर से इतना प्रभाव रहता था कि कुछ कर नहीं पाते, और इसमें आने से इनको जो है सत्ता में सरकार होने की वजह से फ़ायदा मिलेगा, पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा, शहर को फ़ायदा मिलेगा, जिले को फ़ायदा मिलेगा, और फायदा मिलेगा। क्या लग रहा है कि जीतेंगे आगे चल के? नहीं, जीतना तो चाहिए, जीतेंगे ही है, क्योंकि सत्ता सरकार है और प्रभाव भी है बीजेपी का, तो जीतेंगी तो ही है, और जीतने के बाद कार्य भी करेंगी, क्योंकि नीतियाँ आएंगी वो आएंगे सब आएंगे तो उनको करने में उनको आसानी रहेगी, क्योंकि सरकार है यहाँ भी है और वहाँ भी है दिल्ली में भी, तो इसलिए फ़ायदा तो मिलेगा ही शहर को पूरा। भाजपा में पहले से लोग जो थे उनका क्या होगा इनके आने से? अब इनके आने से तो वो लोग थोड़ा सा परेशानी तो होगी उनको, क्योंकि इनके आने से और कोई आ ही नहीं पाएगा, इनके आने से कोई आ ही नहीं पाएगा, जितने भी चाहते हैं आने के वो आ नहीं पाएंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार, गांधीनगर रायबरेली।